तेज धूप में पौधे अक्सर जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसी की वजह से पौधे को बचाए रखने के लिए हम अक्सर ग्रीन नेट का इस्तेमाल करते हैं अपने टेरेस गार्डन पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। विदाउट ग्रीन नेट किस तरीके से हम प्लांट को रख सकते हैं, कौन कौन से प्लांट हम लगा सकते हैं, क्या देख रेख करनी पड़ती है, इस बारे में आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे ही टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होने लगता है हम ग्रीन नेट लगाते हैं, लेकिन मैं कभी भी ग्रीन नेट नहीं लगाती हूँ। मैं काफ़ी वीडियो में आपको कह चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे बंदर का थोड़ा प्रॉब्लम है जो ग्रीन नेट को फाड़ देते हैं, तो इसीलिए ग्रीन नेट मैं प्रिफर नहीं करती हूँ। विदाउट ग्रीन नेट आप मेरे गार्डन को देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी हरा भरा है, ढेरों फूल आते हैं। थोड़ी प्रिकॉशन रखनी पड़ती है, थोड़ी देख रेख रखनी पड़ती है, ख्याल थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी बिना ग्रीन नेट के भी हम अपने पौधे को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर 45 डिग्री तक भी चला जाता है, और बहुत ही हाई टेम्परेचर में भी मेरे पौधे मेरे गार्डन में आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर हरे भरे खिलखिलाते हुए आपको दिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, कौन कौन से तरीके मैं अपनाती हूँ और किस तरीके के पौधे मैं लगाती हूँ। ये तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल में बने रहिए, तो आप रेगुलर बेसिस पे जो मैं वीडियो डालती हूँ उससे आपको पता चल जाएगा किस तरीके के पौधे मैं लगाती हूँ। तो पहले बात करते हैं कि गर्मियों के मौसम में क्या दिक्कत आती है और क्या परेशानी से हमें अपने पौधे को बचाए रखना है। गर्मियों के मौसम में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होती है तो सीधी तेज़ धूप पड़ती है और उसकी वजह से पौधे हमारे जल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पौधे जलते नहीं हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को काफ़ी हद तक कम कर पाती हूँ। तो पौधे मेरे भी जलते हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ये क्रोटोन का पौधा है, इसकी पत्तियाँ आप देख सकते हैं कुछ हद तक जली हुई है। तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन ये उतना मायने नहीं रखता है, ये रिकवर हो जाता है। बाकी और देख सकते हैं ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, तो ये मेरे इसके लिए मैं प्रॉपर कुछ भी नहीं करती हूँ। जो तेज़ धूप पड़ रही है सो पड़ रही है, जो पौधे छाँव में रखना है थोड़ी कम धूप में रखना है उसे उस साइड शिफ्ट कर देती हूँ, जिसे धूप में रखना है उसे धूप में शिफ्ट कर देती हूँ। ये एक तरीका मैं ज़रूर अपनाती हूँ जिससे कि कुछ हद तक मैं पौधों को बचा सकूँ। नेक्स्ट, पौधों को फ्रेंड्स बचाए रखने के लिए गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छा तरीका है कि पौधों को हमेशा क्लस्टर में रखिए। आप मेरे गार्डन में हमेशा देखे होंगे कि मैं पौधों को झुंड बना के रखती हूँ, यानी क्लस्टर में रखती हूँ। देख सकते हैं इस तरीके से मैं रखती हूँ कि बीच में गैप ना हो, पौधे में एक दूसरे के साथ मॉइस्चर बना रहे, जिससे कि पौधा एक दूसरे को नमी देते रहेगा तो पौधा जल्दी से ख़राब नहीं होता है, सूखता नहीं है और जलता भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं पौधों को एक साथ रखने से। जैसे मेरे पास एक बार मैसेज कमेंट आया था कि फंगस वगैरह बहुत जल्दी लगते हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो ऐसे देखिए जब मेरे गार्डन में मैंने अभी तक ऐसा कुछ फेस नहीं किया है, क्योंकि मैं प्रॉपर केयर करती हूँ। फर्टिलाइज़र जैसे टाइम टाइम पे हम पौधों को देते हैं, उसी तरीके से टाइम टाइम पे मैं पेस्टिसाइड स्प्रे भी करती हूँ, देख रेख भी करती हूँ, पौधों को देखती रहती हूँ, कहीं कीड़े लगे हैं तो वहाँ पर उसकी क्लीनिंग कर देती हूँ। ये थोड़ी सी हमें देख रेख तो ज़रूर ही करनी पड़ेगी, लेकिन क्लस्टर में जब हम पौधों को रखते हैं तो उससे मॉइस्चर काफ़ी बना रहता है, और गर्मियों के मौसम में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे पौधों के लिए। इससे पौधे ख़राब नहीं होते हैं। बारिश के मौसम में चाहें तो आप सेपरेट कर करके रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में इस तरीके को ज़रूर अपनाएं। जितना हो सके पौधे को एक झुंड बना के रखें तो पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से रहता है। गर्मियों के मौसम में पानी की रिक्वायरमेंट पौधे को ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए पानी हमेशा देखते रहें। दिन में 2 बार 3 बार जितनी बार ज़रूरत पड़ती है मैं पौधों को पानी देती हूँ। सुबह और शाम तो हम देते ही हैं, उसके बाद भी अगर लगे कि हम मुझे कोई प्लांट जो है, कोई पौधा है जिसकी मिट्टी बहुत जल्दी जल्दी ड्राई हो रही है, तो उसे मैं 3 बार 4 बार भी दे देती हूँ। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है, अगर मैं छोड़ दूँ ऐसे ही और ऊपर से मैंने ग्रीन नेट नहीं लगा के रखा है तो मेरे पौधे ख़राब हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो इस बात का भी मैं अक्सर ध्यान रखती हूँ। पानी देते वक्त अक्सर मैं सावरिंग के साथ पानी देती हूँ, जैसे मॉर्निंग में मैंने सावरिंग के साथ पानी दे दिया,
फिर मैं इवनिंग में भी सावरिंग के साथ पानी देती हूँ, जिससे कि ठंडक बनी रहती है। एक तो मैं क्लस्टर करके पौधे रखती हूँ, जिसकी वजह से आपस में पौधे में मॉइस्चर बना रहता है, तो ठंडक बनी रहती है। नेक्स्ट अगर आप थोड़ा स्प्रे करके पानी दें तो उससे भी मॉइस्चर बनी हुई रहती है और ठंडक बना हुआ रहता है, तो पौधे जो हैं काफ़ी खुश रहते हैं और खिले खिले से रहते हैं। तो ये तरीका तो मैं अपनाती हूँ। और इसमें फ्रेंड्स बीच बीच में ज़रूर पेस्टिसाइड स्प्रे करिए, क्योंकि क्लस्टर करके रखने से फंगस प्रॉब्लम बहुत होने लगती है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। मैं ध्यान रखती हूँ, इसीलिए मेरे गार्डन में आपको ये चीज़ नहीं दिखेगा। नेक्स्ट फ्रेंड, जब भी आपको ऐसा कुछ लगे कि आपका कोई पौधा धूप की वजह से ख़राब हो रहा है और आप ग्रीन नेट नहीं लगा सकते हैं, तो स्पेशली पर्टिकुलर जो कोई पौधा हो तो उसे आप शिफ्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग जगह पर। लेकिन मैंने फ्रेंड्स, मैं कई सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ और मुझे ऐसा कुछ कभी फेस करना नहीं पड़ा, और मेरे गार्डन में काफ़ी अच्छी तरीके से गर्मियों के मौसम में भी, हाई टेम्परेचर में भी मेरा गार्डन खिलखिलाते रहता है विदाउट ग्रीन नेट। आप देख सकते हैं एज ए प्रूफ मेरा गार्डन कितना खूबसूरत, कितना ही कलरफुल दिखता है। और अभी मई जून ये जो महीना चलता है, अप्रैल मई जून का काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ, और टेम्परेचर बहुत बार 40 to 43, 44, 45 ऐसे चला जाता है। फिर भी मैं कोशिश रखती हूँ कि मेरे पौधे मैं अच्छी तरीके से सेव करके रख सकूँ। अब मन में आएगा कि हमारे पौधे तो ख़राब हो जाते हैं तो मेरे क्यों नहीं ख़राब होते हैं, तो फ्रेंड्स ख़राब मेरे भी होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। कुछ पत्तियाँ मेरे भी हैं पौधे में जो कि पीली पड़ती है, तो उन्हें मैं हटाती रहती हूँ। वो भी एक सुंदरता का राज है, अगर आप इन पौधों को नहीं हटाएंगे तो ये भी आपको दिखते रहेगा, आपका पौधा ख़राब हो रहा है, डल हो रहा है। तो थोड़ी क्लीनिंग बीच बीच में करते रहिए, और पौधे को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो टाइम टाइम पे देते रहेंगे, पौधे को जिस तरीके का कंडीशन चाहिए वो देते रहेंगे, तो पौधा गर्मियों के मौसम में तेज़ धूप में भी काफ़ी अच्छी तरीके से खिलखिलाते हुए ग्रो करेगा। एक एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ, ये है पैनी अर्थ का पौधा। आप सभी अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा ये पौधा शेड में रखने वाला पौधा है। शेड में मीन्स ऐसी जगह जहाँ से ब्राइट लाइट रहे, पूरे दिन की धूप नहीं चाहिए होती है, यानी आप इसे धूप में ना भी रखेंगे इस पौधे को तो भी ये पौधा अच्छी तरीके से ग्रो कर जाएगा। तो लेकिन मैंने, आप देख सकते हैं, खुले टेरेस पे मैं रख रखी हूँ, और वो भी ऐसी जगह जहाँ पूरे दिन की धूप पड़ती है, फिर भी प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। उसका रीज़न यही है, दिन में 2 बार शावरिंग करना, पानी का बैलेंस बनाए रखना और अच्छी तरीके से देख रेख करना। तो अच्छी तरीके से देख रेख करके हम कंडीशन कोई भी हो पौधे को सही तरीके से रख सकते हैं। हाँ, कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि काफ़ी डेलिकेटेड होते हैं, उन्हें हमें उसी की कंडीशन में ही रखना पड़ता है, तभी वो पौधे अच्छी तरीके से ग्रो कर पाते हैं। तो बिना ग्रीन नेट के भी मेरा गार्डन किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाए रखती हूँ मैं। वैसे कुछ खास तो मैं नहीं करती हूँ, जो मिनिमम सी केयर मैं देख रेख करती हूँ वही मैंने आज आपके साथ शेयर किया। और इसके बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं आपके पौधे ख़राब हो रहे हैं, आप सेव नहीं कर पा रहे हैं, देन आप ग्रीन नेट लगा सकते हैं। तो मेरे तो ग्रीन नेट लगाने का रीज़न नहीं लगाने का रीज़न ये है कि मेरे यहाँ बहुत बंदर आते हैं और वो ख़राब कर देते ग्रीन नेट को, फाड़ देते, इसीलिए मैं नहीं लगाती हूँ। तो थोड़ी देख रेख की जो केयर जो है प्लांट की तरफ मेरी बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी मैं अपने गार्डन को काफ़ी हद तक खूबसूरत हरा भरा बनाए रख पाती हूँ। और यही था मेरा ये केयर जो कि गर्मियों के मौसम में मैं अपने गार्डन में अपने पौधों के लिए करती हूँ, और मेरे पौधे उसके बदले में मुझे देते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरती और हरियाली। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो, कि बिना ग्रीन नेट के भी हम अपने गार्डन को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हरा भरा और ग्रीन लैश ग्रीन बनाए रख सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कोशिश और पौधों के लिए थोड़ा सा प्यार। तो आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।